फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई, जिसमें गौ रक्षा के नाम पर इंसान की हत्या की जा रही है, मानवता की हत्या की जा रही है। गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। ये कौन है जो गाय की रक्षा के ठेकेदार बने हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं? किसने इनको गाय की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा की ठेकेदारी दी है? देश के प्रधानमंत्री ऐसे तमाम मामलों में एक शब्द नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी ऐसी हत्याओं पर खामोश रहती है। हरियाणा की सरकार ऐसी हत्याओं पर खामोश रहती है। इसका मतलब हरियाणा की सरकार इन हत्याओं को प्रायोजित कर रही है, इन हत्याओं को संरक्षण दे रही है, इन हिंसक कार्रवाइयों के पीछे हरियाणा की सरकार है, उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। 12वीं में पढ़ने वाला एक छात्र आर्यन मिश्रा, 30 किलोमीटर तक उसको दौड़ाया गया, 30 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया। ये तथाकथित अपने आप को गौ रक्षक कहने वाले लोग, जो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, और उसके बाद उसको पीट पीट के मार डाला। और ये कोई पहला मामला नहीं है। बंगाल के गरीब मजदूर को गुड़गांव में पीट पीट के मार डाला। हिंदू मुसलमान बीजेपी की पूरी राजनीति इस पर निर्भर है। कितनी नफरत भरी हुई है इन लोगों के मन में। पहले मुसलमानों को मारो, उनके घर तोड़ो, फिर हिंदुओं को मारो, फिर उनके घर तोड़ो, फिर दलितों को मारो, फिर उनके घर तोड़ो, फिर आदिवासियों को मारो, फिर उनके घर तोड़ो। इस देश के लिए कोई अच्छे काम भी कर रहे हैं इन लोगों को? हरियाणा की सरकार इस हत्या के पीछे शामिल है, भारतीय जनता पार्टी इस हत्या के पीछे शामिल है। और आर्यन मिश्रा के पिता का बयान सुनिए, कितनी पीड़ा के साथ उन्होंने बोला कि मोदी सरकार इस प्रकार की हत्याओं को प्रशय दे रही है, संरक्षण दे रही है इस तरह की कार्रवाइयों को। बुलडोजर संस्कृति चल रही देश में। 144 करोड़ लोग सरकारें बना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख के गए, अपराधों के लिए देश में कानून बना है, न्यायपालिका बनी है अपराधियों को सजा देने के लिए। लोकतंत्र की जगह बुलडोजर तंत्र चल रहा है। अभी एक बड़ी सख्त टिप्पणी न्यायपालिका की, सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर के बारे में आई है। अपराध है, आप धारा के अलग अलग धाराएं हैं उसमें आप मुकदमा दर्ज कीजिए, कार्रवाई कीजिए, सजा दिलाइए। किसी के घर पर बुलडोजर कैसे आप चला सकते हैं? और मैं बार बार कहता हूं कि बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, यह बहुत बेवफा है बुलडोजर। यह कभी छतरपुर के मध्य प्रदेश में मुसलमान के घर पे चलता है तो भाजपाई लड्डू बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, ए बुलडोजर चल गया, मुसलमान का घर जमींदोज हो गया। फिर काशी में चलता है, हमारे पुरातन मंदिरों पर चलता है। 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए काशी के अंदर, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। 300 से ज्यादा इन्हीं भाजपाइयों के द्वारा बुलडोजर चला चला के वहां लोगों के घर तोड़े गए। उससे चैन नहीं मिला,
तो श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में 4000 घर लोगों के तोड़े, 4000 घर जमींदोज कर दिया बुलडोजर चला के, कई मंदिर तोड़ डाले वहां पे। ये देश का विकास करेंगे लोग? कहीं अयोध्या में बुलडोजर चल रहा है, कहीं काशी में बुलडोजर चल रहा है, और कितने छद्म राष्ट्रवादी हैं भाजपाई, भारत माता की जय लगाते हैं और भारत माता के मंदिर पर वाराणसी में काशी में बुलडोजर चलाते हैं। भारत माता के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। नोएडा में एक त्यागी के घर पे बुलडोजर चलाया, बदले में फिर जिन लोगों ने आरोप लगाया था उनके घर पे बुलडोजर चलाया। तो क्या बुलडोजर से भला होने वाला है इस देश के लोगों का? क्या ये गौ रक्षा के नाम पे इंसान हत्या से इस देश को तरक्की मिलेगी, विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी क्या हिंसा और नफरत की राजनीति से? लेकिन नहीं, ये सुनियोजित तरीके से कराया जाता है। अभी महाराष्ट्र की एक तस्वीर है, एक बूढ़े आदमी को कई लोग मिलके मार रहे हैं, मुसलमान है, ट्रेन में चल रहा है। कहां लिखा है भाई हिंदू धर्म में? अपने बेटी से मिलने जा रहा है कोई, उसको पकड़ के मार रहे हो? ये आर्यन मिश्रा के पिता को आज जो पीड़ा है, तकलीफ है, उनके घर वालों को, इसका जवाब कौन देगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? नरेंद्र मोदी कि नायब सिंह सैनी, हरियाणा की सरकार या बीजेपी, कौन करेगा? तो इसलिए गलत का विरोध करना है जो आम आदमी पार्टी करती है, किसी के साथ भी हो, दलित के साथ हो, पिछड़ों के साथ हो, आदिवासियों के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो या हिंदुओं के साथ हो। मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं। और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, 10 साल में 49 घटनाएं हुई गौ रक्षा के नाम पे, और इसमें 55 लोगों की हत्या हुई, 93 लोग घायल हुए, और ये ज्यादातर भाजपा शासित राज्य में हुआ। 2014 से 2022 तक 172, इतना ही आंकड़ा मिल पाया, उसके बाद के आंकड़े नहीं है, मॉब लिंचिंग के मामले हुए, और इसमें 21 हिंदू मारे गए और 21 हिंदू घायल हुए, 6 दलित मारे गए, 42 घायल हुए, मुसलमान मारे गए। यह सच्चाई है मॉब लिंचिंग की। कश्मीर में आपने देखा, कश्मीरी पंडित टीचर या बैंक में काम करने वाले जो, या बिहार के जो मजदूर वहां पे गए, उनकी हत्या हो जा रही है, इसी शासन में हुआ। तो ये जो बुलडोजर है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी चला, अकबर नगर इलाका है, 1800 स्ट्रक्चर तोड़े गए, घर मकान जो भी था, 101 के करीब दुकानें तोड़ी गईं, और इसमें ज्यादातर हिंदुओं के घर तोड़े गए, मुसलमानों के भी तोड़े गए, हिंदुओं के भी तोड़े गए। तो मैं भाजपाइयों से यह कहना चाहता हूं, इस देश को नफरत की आग में झोंकना बंद करो, और ये जो उछलते रहते हो, लड्डू बांटते रहते हो, चलो मुसलमान का घर तोड़ा गया, चलो दिल्ली में झुग्गी तोड़ दी गई, चलो गरीब का घर उजड़ गया, बांटो लड्डू, मनाओ जश्न,
ये बंद कर दो अब, क्योंकि ये तुम्हारे भी घर पे चलेगा, तुम भी बचोगे नहीं। अयोध्या काशी की हालत जाके वहां के लोगों से पूछो। और ये किसी हिंदू धर्म में नहीं लिखा हुआ, और कोई हिंदू धर्म की ठेकेदारी और कोई आइडेंटिटी कार्ड ये गौर रक्षक तथा कथित अपने आप को कहने वाले इनके पास नहीं है कि किसी को भी पकड़ के मार दें। आरन मिश्रा तो एक ब्राह्मण का लड़का था ना, उसको गौहत्या के नाम पे मार दिया। ये अपने पड़ोस में हत्या करेंगे, कल को घर में हत्या करेंगे। जब दिमाग पे खून सवार हो गया है तो ऐसी घटनाएं होंगी। तो इसलिए इस पूरे मामले की, गुड़गांव की जो घटना हुई जिसमें एक बंगाल के गरीब मजदूर मुसलमान को मारा गया, और आर्यन मिश्रा की ये जो हत्या हुई, और ये दोनों हत्याएं गौ रक्षा के नाम पे हुई, इन सब के पीछे कोई अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी, नायब सिंह सैनी की सरकार, हरियाणा की सरकार। और इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार दावा करते हैं वो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चला रहे हैं। तो डबल इंजन फेल हो चुका है, इसलिए इस सड़े गड़े गले डबल इंजन को अब हटाना होगा, और हरियाणा की जनता हटाएगी।